चक्कर आ रहे सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद वाइफ। कैसे आप सब? बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में मेरी वाइफ ने मुझे ड्यूटी दी है कि आज इंट्रोडक्शन आप दोगे, और आज मैं इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ। और उसके इस काम की वजह से मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है गोविंदा की मूवी का, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। तो वही वाली बात है कि भाई बीवी के कहने पे बंदे को पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ता है। वैसे मेरे को बोलना बोलना कुछ आता नहीं है, लेकिन अब बोलना सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि इसको इसका शौक है थोड़ा सा कि भाई मैं थोड़ा सा लाइमलाइट में रहूं और अपने अपने आप को थोड़ा सा मैं आ रही हूं। मैं आ रही हूं। अब आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम। मैम बहुत फेमस हो चुकी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यूट्यूब पे इनकी ना किस्मत ठीक नहीं चल रही। 10, 12, 15, 20, 21, 19 इतने ही व्यूज आ रहे हैं बस, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। नहीं दे रहे हैं लाइक, तो दूर की बात है, लाइक तो हम कह भी नहीं रहे अभी। आप व्यू ही नहीं कर रहे, कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। इतनी खराब शक्ल हो गई क्या मेरी? वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैम के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिलियंस में व्यूज है, और मिलियंस में कितनी है, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 35 मिलियन। इवन टिकटॉक में भी मैम के ऐसे ही व्यूज आते थे, और ये यूट्यूब को लेकर ना बहुत नाराज है यार। ये यूट्यूब वाले आगे व्यूज वीडियो भेजते ही नहीं, पता नहीं इनका क्या तरीका है। यूट्यूब वाले पता नहीं क्या देखते हैं क्या देखते नहीं है, मुझे नहीं पता चला, लेकिन नहीं हो रहा। आप एक बार फेसबुक पे जाके देखेंगे तो मेरा फेस पहचाने और देखे जाने शिवानी खन्ना। और प्लीज व्यू करें, हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिशों में कुछ कमियां भी रही होंगी कुछ समय। अरे कमियां भी कुछ नहीं है, आगे कोई वीडियो नहीं जा रही इस वजह से नहीं आ रही। बड़ी नाराज है बेचारी, कम से कम 10-20 के बदले 25-30 तो व्यूज हो। 25-30 से क्या होगा, मिलियन 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 बोल रहा है यार, मतलब 25-30 मिलियन व्यूज में आने चाहिए यार। ये क्या तरीका है यार तुम्हारा यार? नहीं मैं बिल्कुल भी कोई बंदा खुश नहीं हूँ, और मेरे को बहुत ही मतलब। और वैसे ये गलती लोगों की नहीं है, ये गलती यूट्यूब की, आगे भेज नहीं रहा, आगे भेजेगा तो लोग देखेंगे यार। यार मतलब माना कि चेहरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। नहीं यार तू बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हिट है, ऐसी बात नहीं है। आज भी लोग रास्ते मिलते हैं तो कहते हैं यार मैम आपको तो हमने वहाँ देखा था, आपकी वीडियो ऐसे आई है। इवन बहुत सारे लोग हमारी वीडियो उस पर डाल रहे हैं। टिकटॉक वाली मैम के नाम से फेमस है ये। और बताइए खाना बना बिस्किट खा लो। फ्रेंड्स आज तो मतलब मैं इतने ज्यादा अपसेट हूँ कि मैंने इनसे बोला है कि मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बिल्कुल भी ये मैडम यूट्यूब छोड़ने का मन कर रही है। ये सोच रही है कि इंस्टाग्राम बनाए। इंस्टा पे भी ठीक है, एक तो फिल्टर लगाओ बढ़िया बढ़िया किसी की भी बात वो फॉर्मेट बट ये है कि उसमें हम अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हैं, हम अपनी व्लॉग्स नहीं दिखा सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें आप टैलेंट ही दिखा रहे हो अपना यूट्यूब पे, ये क्या टैलेंट है भाई? बस समझ ही नहीं आता बोले क्या। बोलना कुछ नहीं होता है, कुछ भी बोलो लेकिन ऐसे बोलो। लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना? ये तो बात है, अब लोगों को इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा यार, हमें खुद नहीं आ रहा भाई। ये देखो लाइट नहीं कर रहे हो। हेलो बोलो बोलो। छोटे से बच्चे की मेहनत नहीं समझ रहे आप लोग। नाराज हो गया है। आपको बात नहीं करनी, आप भी ले लो। बात नहीं करनी आपको, बताओ तो सही। आप भी ले लो। ये नाराज हुआ बैठा भाई, ये बात ही नहीं करता, इसका ये मूडी आदमी है बिल्कुल भी, किसी ने ने बात कर अपने मन मर्जी का है। हाँ भाई हेलो फ्रेंड्स। ओ तेरी एहसान कर रहा है बात करके। हेलो फ्रेंड्स। अच्छा आपको शादी करनी है? अच्छा फ्रेंड्स को बता दो किससे शादी करोगे, वो लड़की लेके आओगे घर में जो आपने फोन में देखी थी? वो हाँ वो तो किसकी थी? हाँ जो झाड़ में लेती थी। हाँ जो झाड़ में लेके थी वो लड़की उसको बहुत पसंद है और उससे शादी करना चाहता है।
है ना बाबू, शादी करना चाहते हो ना? वो तो कैलिफोर्निया की थी क्या? और कोड़ी वो ज्यादा गोरी है, इसलिए पसंद है। और इसके आंखें, वो तो लड़की नहीं थी, वो तो नागिन थी। नागिन लड़की पीली होती है ना? अच्छा नागिन थी। हाँ अच्छा, झाड़ पे लेती थी वो, झाड़ पे लेटती है। हाँ। नागिन है वो। फिर भी तुझसे शादी कर लेगा नागिन से? नहीं, मैं नागिन तो सबको मारती है। जैसे आपने मम्मी से करी थी शादी, ऐसे मैं भी मम्मी से करूंगा शादी। मम्मी से करेगा? मम्मी से नहीं, देख ले तो लड़की देखी थी हमने। मम्मी से ही करेगा? हाँ सच कह रहा मैं। है? मम्मी से शादी करेगा? ले मम्मी से पूछ, पूछ मम्मी। मम्मी मैं आपसे शादी कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही शादी करूंगा। आप रोज रोज आपसे ही शादी, रोज रोज। बहुत मोटा पेट, बहुत मोटी आंख, बहुत मोटी नाक, बहुत मोटा मुंह, बहुत मोटे पैर, बहुत मोटा हाथ, सब। ये आओ मिलो शिलो शालो। क्या हुआ? चक्कर आ रहे? सुबह 5 बजे की उठी हूँ। तो अभी क्या है, अभी सुबह के 6 ही तो बजे हैं। घड़ी देखो जरा, मेरे मुंह के अंदर घुसा दो। इससे मेरा खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा। वैसे मैंने मटर पनीर खाया है। अब खा के दाल बंदा मटर पनीर बताए, कोई फायदा है उसमें? मटर पनीर खाया, दाल नहीं खाई, वो बाहर से मंगा के। हाँ जी बताओ, क्या कह रहे थे अभी आप? हम अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं, इससे पहले क्या बोल रहे? जब मैं ज्यादा परेशान होता हूँ तब मुझे इनके ऊपर ज्यादा प्यार आता है। और जब ये ज्यादा खुश होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ये खुश क्यों है? खुश क्यों है मेरे रहते हुए ये इतने खुश? जब मैं परेशान होता हूँ ना तो इसको मेरे पे प्यार आता है बहुत ज्यादा, और जब मैं खुश होता हूँ तो इसको मेरे पे गुस्सा आता है। ये खुश कैसे है बंदा? बंदा खुश कैसे? ये सिर्फ अपनी हमदर्दी जताती है मेरे को कि परेशान है तो बस मैं तुम्हारा साथ दूंगी, सपोर्ट करूंगी। इसे क्या पता कि मैं परेशान भी इसी की वजह से होता हूँ। जितने भी प्यार इसी, और आज मैं परेशान हूँ ना तो आज ये बड़ी खुश है कि यह बंदा परेशान है। बस खुश नहीं हूँ, मतलब मेरे को ये लगता है कि ठीक है तुम्हें मेरी जरूरत है, मतलब ऐसा फील आता है, लेकिन तुम मेरी गंगी कर रहे। और जब तुम खुश होते हो तो तुम वैसे ही बड़े खुश रहते हो।